हेलो भाई, दिस इज मे रॉल वॉचिंग वॉचिंग थंडर एट सी। तो आज हम बात करेंगे डी एस रहमान की स्टडीज़ के बारे में। तो डी एस रहमान में स्टडीज़ कैसी होती है, यहाँ के इंस्ट्रक्टर कैसे हैं और आपको कैसे पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें स्टडीज़ के बारे में। तो स्टडीज़ यहाँ की, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया टाइमिंग के बारे में, तो सुबह अपन 5 बजे उठते हैं, उसके बाद में क्लीन शिप होती है। कई बंदों की क्लीन शिप होती है और कई बंदों की पीटी चलती है, वो अल्टरनेट होता रहता है दोस्तों बैच वाइज। तो फिलहाल हमारी क्लीन शिप चल रही है। क्लीन शिप मतलब जो अपना एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है हमें, वो आपको क्लीन करना होता है। जैसे कि जो रोड्स होते हैं बाहर के, वहाँ का सम ग्रीटिंग्स हमें दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना पड़ता है, क्योंकि शिप पे भी हमें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं। तो उसके बाद में 8 बजे हमारा मास्टर होता है ब्रेकफास्ट के बाद में 6:30 के। तो 8 बजे हम मास्टर करते हैं और उसके बाद में 8:30 तक हमारी क्लासेस चालू होती है। हम क्लास के लिए जाते हैं, तो पहले दो तीन लेक्चर तो अपने इंस्ट्रक्टर के होते हैं, क्लास इंस्ट्रक्टर के। उसके बाद में जो अदर्स लेक्चर है, जैसे कि यम ए के, जी एस के, और कंप्यूटर का भी एक होता है और इंग्लिश का भी लेक्चर होता है। तो प्रोबेबली हम बात करें तो स्टडी तो बहुत हार्ड चलती है, और 4:40 को अपना जो क्लास ख़त्म हुआ, उसके बाद में एक तो आपका स्विमिंग होगा, नहीं तो फिर 8 से 9 तक लेके आपकी सेल्फ स्टडी तो यहाँ चलती है, वो तो कंपलसरी है, सबको करनी पड़ती है। तो बात करें यहाँ के इंस्ट्रक्टर के, तो इंस्ट्रक्टर यहाँ के बहुत बढ़िया है। तो ऐसे टी एस रहमान का नाम नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं जो पढ़ा रहे, अगर हम बात करें उनके खुद के एक्सपीरियंस की, तो उन्हें 35 ईयर्स से लेके 20 ईयर्स कोई 40 ईयर्स ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, जिन्होंने इतने साल सेलिंग की हुई है, उसके बाद में यहाँ पे वो एज अ टीचर इस प्रोफेशन में आए हुए हैं। तो टीचिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, और उसके अकॉर्डिंग इसीलिए यहाँ पे कंपनियाँ भी आती है बहुत सारी, जो बच्चों को उठा के लेके जाती है, प्लेसमेंट दिलाती है। तो टीचिंग बहुत बढ़िया होती है। टीचिंग में आपको नॉट ओनली वो उस सब्जेक्ट के बारे में और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताएंगे, उसके एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती है वो भी आपको बता देंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बस एक लाइन में ख़त्म हो जाती है, बट वो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो कि हमें फ्यूचर में काम में आती है शिप पे। जैसे कि आप COC लेने जा रहे हो, तो उस टाइम पे COC का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो उस टाइम पे डेफिनेटली आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली पढ़ के जा रहे हो, तो COC के टाइम पे भी आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो ये बात हुई COC की स्टडी की और इंस्ट्रक्टर की। तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर बहुत बढ़िया, अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं तो क्लास में अगर आपको कोई डाउट आया तो वो काइंडली और हेल्पफुली वो हमें सब चीज़ें बताएंगे, और अगर आपको नहीं समझ रहा तो वो आपके पास आएंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको स्पेशली सेपरेटली समझाएंगे उस चीज़ के बारे में। उनका यही एम रहता है दोस्तों हर बारी, जैसे कि हम देख रहे हैं एज आई एम एक्सपीरियंस दिस, बहुत मेहनत ली जाती है स्टूडेंट्स पे कि वो अच्छा स्टडी करें और अच्छे मार्क्स लाए और अच्छी कंपनी में प्लेस हो, यहाँ पे आए हैं तो डी एस रहमान में। तो उसके बाद में वो क्लासेस होने के बाद में 4:40 को हमें अगेन 8 to 9 सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, फिर से क्लास में जाके रात को। तो इंस्ट्रक्टर तो बहुत बढ़िया रहते हैं, सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद में बात करें यहाँ के टाइमिंग्स की, स्टडी टाइमिंग्स। तो जैसे कि मैंने बोला, सुबह 8 से लेके 12 बजे तक आपका लेक्चर चलेगा, नहीं तो फिर आपका प्रैक्टिकल है वर्कशॉप में, तो आपको वर्कशॉप में जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोपहर को फिर से लंच के बाद आपका 1 से लेके 3:30 तक लेक्चर्स होते हैं, और 3:30 के बाद में आपका स्नैक्स होता है, और स्नैक्स के बाद में जो 4:45 से लेके 4:40 तक आपका लेक्चर्स होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने एक्स्ट्रा दी हुई है, क्योंकि बच्चे में सम इम्प्रूवमेंट आ सके। जैसे कि इंग्लिश, अब मैंने बहुत सारी इंस्टीट्यूट में देखा है, सर्वे किया है, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे आपको बस जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाता है, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको बहुत सारी ग्रामेटिकल जो चीज़ें हैं वो भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में आप जब शिप पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता हो। उसके बाद में कंप्यूटर, तो आज की जो जनरेशन है उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पे टी एस रहमान एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कर रहा है और आपको सम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर के। वैसे तो डीजी शिपिंग में कंप्यूटर के एग्ज़ाम के क्वेश्चन आते ही है, बट मैंने एज़ पर मैंने जो देखा है
दूसरे कॉलेजेस में वहाँ पे आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज नहीं दी जाती, बट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चला जाता है। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता दोस्तों, आपको बहुत सारी चीज़ें वो एक्स्ट्रा बताएंगे, तो उसका अकॉर्डिंग आपको सम एक्सपीरियंस आएगा और आप अच्छा स्कोर करोगे एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में नहीं आपको अच्छी प्लेसमेंट भी मिलेगी। और यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्म करता है उसे भी लास्ट में जब पासिंग आउट परेड रहता है तब अवार्ड्स दिया जाता है, बेस्ट जीपी, बेस्ट डीएनएस, बेस्ट बीएससी, ये सारे अवार्ड्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर बात करें आगे पीटी की, तो पीटी 6 बजे चालू होती है, 6 से लेकर 6:30 बजे तक ब्रेकफास्ट के टाइम तक यहाँ पे पीटी होती है, तो पीटी भी बहुत बढ़िया होती है दोस्तों। मैंने अदर कॉलेज में देखा है कि पीटी पे लोग इतना ध्यान नहीं देते, वो बोलते हैं पीटी मर्चेंट नेवी में बहुत लिस्ट मिनिमल चीज़ है जो यूज़ नहीं होती, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पीटी का मर्चेंट नेवी में क्या काम, बट यहाँ पे वैसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो पीटी है उसको पहली प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि आपका डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, तो पीटी में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अगर आपने देखा होगा पासिंग आउट पीरियड में, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर है, ओनर्स है, शिप ओनर्स, और बहुत सारे जो गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ है वो आती है और पासिंग आउट पीरियड देख के ही खुश हो जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पीटी भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो दैट्स इट इन टुडेज वीडियो, बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो डाला है क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।